अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहजादपुर व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो आज के एक ब्रांड न्यू व्लॉग में आप सबको कहता हूँ जी खुश आमदीद। तो गाइस, आज आप सबको पता है कि है जी हमारी बड़ी ईद, तमाम तलबा की, उन तलबा की जो 11वीं जमात में है उनकी आज बड़ी ईद है। आसान अल्फाज में बता दूँ कि आज है 17 नवम्बर 2022, 11वीं जमात का आज रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट है गुजरांवाला बोर्ड का। तो देखते हैं जी क्या बनता है। अभी मैं रेडी हो गया हूँ, अभी जाएंगे कॉलेज। पहले मेरा कोई प्लान नहीं था, मैंने कहा घर बैठ के देखेंगे, पर फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि अगर घर बैठ के देखेंगे तो 10 बजे ही अपनी शामत आ जाएगी, कॉलेज जाएंगे तो ज़रा 2-3 बज जाएंगे। फिर मैं अब कॉलेज जाने का प्लान बनाया, वहाँ जाते हैं और अपने सारे बॉयज़ को आपके साथ मिलाएँगे और उनका नंबर भी और रिज़ल्ट भी आपको बताएँगे और देखेंगे क्या बनता है हमारे रिज़ल्ट का। आप सब ने हमारे लिए प्रे करनी है। तो चले जी चलते हैं। अभी जी गाइस निकल चुके हैं यहाँ से, घर से मैं आ गया हूँ। अभी मैं कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ, रास्ते में खड़ा हूँ, धूप बहुत प्यारी निकली है तो इसी वजह से ठंड भी थी। कुछ देर खड़े रहते हैं और फिर चलते हैं कॉलेज। रिजल्ट की टेंशन लग गई है, देखते हैं अब कैसा आता है। उम्मीद तो है कि अच्छा आएगा इंशाल्लाह, लब्बा अपनी चाह। तो चलते हैं कॉलेज। अभी गाइज़ हमारे कॉलेज पंजाब कॉलेज पसरूर कैंपस में जो है ना मोबाइल अलो नहीं है, तो ये मैंने छुप छुप कर वीडियो बनाई थी क्लास में। तो तकरीबन एक आधा घंटा ही क्लास में बैठे थे, फिर हमको उन्होंने कहा था चले जब आप घर चल जाएं, तो फिर हम आ गए थे। ये कुछ क्लिप्स हैं, ये आप इंजॉय करें। भाई जो हुडी वाले के साथ खड़े हैं और अभी हमें कॉलेज से निकाल दिया उन्होंने कि जाएं जी, ये हमारी सारी क्लास के बॉयज़ हैं, हम अभी जाने लगे हैं। यहाँ से वाइट सिटी जाएंगे, वहाँ जाकर अपना रिजल्ट देखेंगे। ये आपका भाई है, वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से मैंने बाहर चले वीडियो बनाते हैं, बाद में वॉइस ओवर करके आपको बता देंगे। ये हम वाइट सिटी बैठे हुए हैं, सारे बॉयज़ यहाँ पे थे, तो बाकी 2-3 बॉयज़ ने तो छुट्टी की हुई थी और हम ही थे यहाँ पे 4-5 लड़के अपने शुगर मेला लगा रहे थे 10 बजे से तकरीबन 10-15 मिनट पहले। और वहाँ पे वो कुछ बॉयज वहाँ पे खड़े होकर शोर कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे। ਪਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਨੇ 505 ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ 505 ਮੇਰਾ ਭਾ 47 37 2 ਮਿੰਟ 4-3 ਲਗਭਗ 6 ASS ਜੀ ਵਧੀਆ ਬੜਾ ਸੌਂਗ ਕੋਡਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਹਦ ਭਾਈ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ 383 ਤੁਸੀਂ ਨਫਾ ਜੀ। जी तो गाइस मेरे 383 नंबर आए हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं और बहुत बुरे भी नहीं हैं। मैंने वैसे जिस तरह के मेरे पेपर हुए थे मैंने एस्टिमेट लगाया हुआ था कि मेरे 400+ मार्क्स आएंगे, 420+ मार्क्स आएंगे, बट कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे नंबरों पर जो मेरे पापा का रिएक्शन है वो मैं अभी वीडियो अटैच कर दूँगा, वो आप सुनिएगा। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपने बता रहे हैं कि आपके रिजल्ट के बाद आपके वालदैन का क्या रिएक्शन है। अल्लाह माशाल्लाह मेरा पुत्र मुबारक होए, बहुत बहुत कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े ने भी
चलो अलहमदुल्ला बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे, शुक्र अलहमदुल्ला अल्लाह पाक ने कामयाब किया, कोई मसला नहीं मित्रा, घुट के मेहनत करो ताकि 12वीं क्लीयर होना।